वेलकम्स एम मैथ्स ट्यूटोरियल्स पे। जेड ट्रांसफॉर्म के सिक्स लेक्चर्स नंबर लेक्चर नंबर सिक्स में आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम्स है। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग द लॉरेंट सीरीज, पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स को पढ़ा था बट वो जनरल सिंपल मेथड से है। बट अब यहाँ पे है कि कह रहा है कि इनवर्स जेड ट्रांस को फाइंड करना है बट लॉरेंट सीरीज के मेथड से। मतलब अगर आपको रेंज, जो ये रेंज है ना, इस फॉर्म में दिया हो तो उस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। ये रेंज के अकॉर्डिंग्स दिया होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पार्सल फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। बट जब पार्सल फ्रैक्शन में क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे। तो वी नो दैट इज जेड इनवर्स एफ जेड एफ के होता है, ये एफ के ही हमें फाइंड करना है। तो एफ जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटीज जेड एस टू माइनस के एफ के। तो वट इज़ द एफ के? प्यारे बच्चों, जो एफ के हमारा क्या है, कह रहा है कि जेड एस टू माइनस के का जो कोफिशेंट होता है ना वही एफ के है। इट इज़ क्लियर, कोफिशेंट ऑफ जेड एस टू माइनस के इज ए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इन एनी एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज। मतलब ये सम सीरीज हमारा है तो इसका जो एक्सपेंशन है इस जेड एस टू माइनस के, ये वाला पावर, ठीक है, ये जेड एस टू माइनस के का पावर जो है ना, ये वाला, यही है आपका इनवर्स। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह के जब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में होगा तो हमें इसका कोफिशियंट ही फाइंड आउट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो एफ जेड दो पार्ट में ब्रेक होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और नेगेटिव वाला, जब के लेस देन जीरो वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, जब के लेस देन जीरो वाला, और यहाँ पे के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला कंसेप्ट। के लेस देन में ये सीरीज बन जाएगी और ग्रेटर देन में ये बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म में आ जाइए, जैसे आप हम लेस देन लेते जाएंगे तो जेड हमारा क्या मिलता जाएगा, पॉजिटिव मिलता जाएगा। न्यूमरेटर्स में मिलेगा जेड 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 स्क्वायर अप टू जेड एस टू के। तो कोफिशेंट ऑफ जेड एस टू के क्या है, एफ एस टू माइनस के, ठीक है। यहाँ से दिस इज एफ एस टू माइनस के, तो कोफिशेंट जेड एस टू माइनस के क्या होगा, एफ के हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, के को रिप्लेस कर देंगे माइनस के से, तो ये मिल जाएगा। तो मतलब कि जब निगेटिव और लेस देन के लिए है तो ये ध्यान में रखना है कि जो जेड का जेड एस टू के का कोफिशेंट पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद जेड एस टू माइनस के का कोफिशेंट फाइंड कर लेंगे जब वो के इज लेस देन जीरो, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर वाले टर्म में होगा तब की बात है, ठीक है। सेकेंड टर्म में क्या है देख लीजिए, सेकेंड टर्म में जब हम पॉजिटिव रखते जाएंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फिर पॉजिटिव तो माइनस वन होगा तो ये वन अपॉन आने जाएगा, टू रखेंगे तो आ जाएगा। तो इस केस में तो ये मिल जाएगा जेड एस टू माइनस के एफ के, मतलब के एस टू के जब ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा तो ये हमें मिल जाएगा। तो मतलब ये ध्यान में आपको अब रख लेना है, जब न्यूमरेटर में जेड आता रहेगा तो उस केस में आपको जेड एस टू के का कोफिशेंट फाइंड करना है, उसके बाद उसमें के को जेड एस टू माइनस के का कोफिशेंट के को माइनस के से रिप्लेस करके इवेल्युएट कर लेना है, और इस वाले में तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ये वाला जो है वन, ये टू मान लीजिए, ये थ्री मान लीजिए, तो इन टू और थ्री को ज्वाइन कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा टू प्लस थ्री करने पर, ठीक है। इस तरह से अगर सीरीज बनती है तो अब आइए, इन्हीं सभी प्रॉब्लम को हम पार्सल फ्रैक्शन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा, एफ जेड अपॉन जेड एंड एफ जेड इज अ लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। मतलब जो डिनोमेटर्स में होंगे ना एफ जेड के, वो सभी कैसे होंगे, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, रिपीटेड नहीं होने चाहिए। मतलब एफ जेड जो होगा ना इस तरह से हो सकता है, जी जेड अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी एंड सो ऑन, नॉन रिपीटेड, ठीक है, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, मतलब सबके पावर एक ही होगी, याद रखिए। इस केस में क्या करना है, तो पहले आपको फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एफ जेड अपॉन जेड में रखना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। उसके बाद अब ये डिसाइड करेंगे कि मॉड जेड लेस देन ए है, ठीक है, मॉड जेड जो है ना, जेड की वैल्यू लेस देन ए है, तो उस केस में जेड इनवर्स जेड माइनस ए क्या लिखेंगे हम, माइनस ए रेस टू के, ये ध्यान में रखना है इस कंसेप्ट के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए ऐसा ही रखना देखना है। और जेड इज ग्रेटर देन बी है तो उस केस में बी रेस टू के होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान में रख लेना है आपको, जब ग्रेटर देन होगा तो प्लस होगा, लेस देन होगा तो माइनस निकलेगा, ठीक है। तो अब आगे का वर्क, इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक, जैसे
तो कह रहा फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो पांचवा वाला क्वेश्चन हमने लिया है ना, ये जो है ना लॉरेंट सीरीज का प्रॉब्लम है, लॉरेंट सीरीज, इस मेथड से नहीं होगा सॉल्व। तो लॉरेंट सीरीज जब हम मैं अभी बनाऊंगा वीडियो तो बता दूंगा। तो अब इस पे हम थोड़ा क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन पहले ले लेता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट एब्जेड कितना है आपका, वन अपॉन जेड माइनस ए ले लिया है, और मॉड जेड को हमने कह दिया है कि ग्रेटर देन ए है, ठीक है। ये है मॉड जेड, ग्रेटर देन ए है। बट अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है फ्रेंड्स, कि इसको अब हमें क्या करना है, जेड एस टू माइनस के का कोफिशियंट, बट ये लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंशन करना है। तो पहला क्या होगा कि इसमें हम जेड कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ए अपॉन जेड, ठीक है, क्योंकि ये जेड ग्रेटर देन है ना, तो अब ये हो जाएगा जेड वन माइनस ए अपॉन जेड रेस्ट पावर माइनस वन, ओपन कर दीजिए, जेड वन प्लस ए अपॉन जेड, ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अप टू ए रेस्ट टू के अपॉन जेड रेस्ट टू के, चूँकि ठीक है, एंड प्लस वन अपॉन में है, ठीक है, एंड अप टू इन्फिनिट। अब इस जेड का मल्टीप्लाई भी करते चले जाएंगे, तो वन अपॉन जेड प्लस ए अपॉन जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब, तो अप टू ए रेस टू के माइनस वन अपॉन जेड रेस टू के, प्लस ए रेस टू के अपॉन जेड रेस टू के प्लस वन, एंड सो ऑन। तो अब हमें एफ के क्या चाहिए, एफ के जो होगा ना कोफिशेंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के, तो जेड रेस टू माइनस के का कोफिशेंट क्या है आपका, ए रेस टू के माइनस वन, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा, यहाँ से ये याद ध्यान में रखना है, ये वाला है ना न्यूमरेटर्स में, हो गया, बस इतना ही करना था। सेकेंड वाले में हम आते हैं, लेस देन है एफ जेड इक्वल टू अपॉन जेड माइनस बी, कह रहे हैं कि मॉड जेड जो है ना लेस देन बी है। तो अब इस केस में क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले बी है तो बी को कॉमन लेना है, बट यहाँ पे वन माइनस वाला सिक्वेंस हमें रखना है, वन माइनस या वन प्लस वाला सिक्वेंस, ठीक है। तो एफ जेड इस तरह से करना है, तो अब यहाँ से हम माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा वन माइनस जेड अपॉन बी, ठीक, न्यूमरेटर में ले जाइए, माइनस वन अपॉन बी बाहर आ जाएगा, वन माइनस जेड अपॉन बी इस पावर माइनस वन। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, माइनस एक बटा बी वन, ठीक है, और प्लस जेड अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड रेस टू के अपॉन बी रेस टू के, ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वन अपॉन बी, ठीक, माइनस अपॉन बी माइनस जेड अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन बी क्यू एफ टू माइनस जेड रेस टू के अपॉन बी रेस टू के प्लस, ये मिल गया। तो अब हमें क्या चाहिए, तो ये चूंकि जेड जो है ना न्यूमरेटर्स में है, तो हम पहले क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ जेड रेस टू के का फाइंड कर लेंगे, कोफिशियंट ऑफ जेड रेस टू के क्या है, माइनस वन अपॉन बी रेस टू के प्लस वन, ठीक। तो कोफिशियंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के, क्योंकि जो फोर एफ के होता है ना वो जेड रेस टू माइनस के का कोफिशियंट होता है, तो माइनस वन अपन बी रेस टू माइनस के प्लस वन। यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, आपको के को माइनस के से रिप्लेस कर देना है बस, तो हो जाएगा माइनस बी रेस टू के माइनस वन, ठीक है। तो एफ के मिल गया आपको, यही हो गया इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बी एफ के, कोफिशियंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के, ये हो गया। अब हम दूसरे एफ जेड वाले पे बात कर लेते हैं, तीसरा एफ जेड है वन अपॉन जेड माइनस टू है और जेड माइनस थ्री है, और कह रहा है टू लेस देन मॉड जेड लेस देन थ्री, ठीक। तो अब ये सेम वर्क है,
पहले इसको पार्सल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद आगे वाला वर्क होगा। ये लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंशन है, तो पहले पार्सल फ्रैक्शंस में आपको बदलना है। तो अब ये ए अपॉन जेड माइनस टू प्लस बी अपॉन जेड माइनस थ्री, ठीक है। तो अब मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा टू माइनस थ्री मतलब, और ये थ्री माइनस टू मतलब वन अपॉन जेड माइनस थ्री मिल जाएगा और माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू मिल जाएगा। ये ट्रिक्स है। अगर नहीं आता तो मेरा एक पार्सल फ्रैक्शन का रेडियो लेक्चर से आप उस पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। अब आइए, ये जो है कंसेप्ट जो दिया हुआ है टू मॉड जेड लेस देन थ्री, तो इस केस में क्या करना है। यहाँ कह रहा है कि मॉड जेड है ग्रेटर देन टू है और मॉड जेड जो है लेस देन थ्री है। तो फर्स्ट वाले टर्म्स में, इन फर्स्ट टर्म, ठीक, टेकन थ्री कॉमन, क्योंकि थ्री यहाँ पे है, और इन सेकेंड टर्म टेकन टू जेड कॉमन, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है ना जेड जेड ग्रेटर देन है, ठीक है, जेड कॉमन, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जेड बड़ा है, जो बड़ा होता है वो हम कॉमन लेते हैं लॉरेंट सीरीज के जो रूल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो वन माइनस जेड अपॉन थ्री रेस पावर माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ से हम वन अपॉन जेड कॉमन ले लेंगे। तो जैसे जेड कॉमन लेंगे तो वन माइनस टू अपॉन जेड रेस पावर माइनस वन हो जाएगा। अब इसको सिर्फ मॉडिफाई कर लेना है, माइनस वन अपॉन थ्री, वन प्लस जेड अपॉन थ्री प्लस जेड स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस जेड रेस टू के अपॉन थ्री रेस टू के, ये मिल गया माइनस वन अपॉन जेड, ठीक। अब वन प्लस टू अपॉन जेड, टू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस अब टू टू रेस टू के अपॉन जेड रेस टू के, ये मिलेगा टू रेस टू के अपॉन जेड रेस टू के। अब इसको सॉल्व करना है तभी आगे की बात बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, तो अभी देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्वेंस सीरीज को। तो माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक, माइनस जेड अपॉन थ्री स्क्वायर, ठीक, और अब यहाँ जाएगा तो माइनस जेड रेस टू के अपॉन थ्री रेस टू के प्लस वन, ठीक। ये पहला टर्म्स हो गया, माइनस तो प्लस कर देता हूँ और इस ब्रैकेट का ये फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वहाँ पे। तो माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है, टू अपॉन जेड स्क्वायर, और प्लस ऐसे जाते जाएंगे तो टू रेस टू के माइनस वन अपॉन जेड रेस टू के समथिंग। ये कब है जब k लेस देन जीरो है, और ये कब है k ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, इन दोनों सीरीज के लिए है। तो अब इसमें जो है ना फर्स्ट टर्म में हमें क्या करना है, कोफिशियंट ऑफ जेड रेस टू के पहले फाइंड कर लेंगे। तो जेड रेस टू के का कोफिशियंट है माइनस वन अपॉन थ्री रेस टू के प्लस वन। तो इन फर्स्ट टर्म कोफिशियंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के, तो माइनस यहाँ पे माइनस के रख देंगे तो ये हो जाएगा थ्री रेस टू के माइनस वन, ठीक, ये हो गया। अब सेकेंड टर्म कोफिशियंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस टू रेस टू के माइनस वन, ठीक। तो एफ के क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे सिंपल, माइनस थ्री रेस टू के माइनस वन माइनस टू रेस टू के माइनस वन। बट ये कब है, के लेस देन जीरो है, और ये कब है, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
यही आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से ऐसे सीरीज को पहले जब हम क्या करना है, लॉरेंस सीरीज में राइट अप करना है, फिर उसके बाद इनके कोफिशिएंट को फाइंड कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको ज़रूर देखना है कैसे करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। इस 4 को क्वेश्चन को हम ना इस मेथड से भी और इस दोनों मेथड से हम चेक करेंगे कैसा सॉल्व हो पाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, मैंने कर दिया ऑलरेडी, तो मैं सिर्फ आपको इंडिकेट बताऊंगा कैसे है। एफ जेड इक्वल टू दिस मॉड जेड इक्वल टू ग्रेटर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1/4 है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो पार्सल फ्रैक्शन जेड अपॉन दिस इज, ये पार्सल फ्रैक्शन है, तो ए इक्वल टू आप कन्वर्ट कर लीजिए, बी इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पार्सल फ्रैक्शंस में तो ये मिल जाएगा। तो एफ जेड इक्वल टू 5 अपॉन जेड माइनस 1/4 माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 1/5, ठीक। तो सिन मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 है, तो ये 1/5 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो टेकन जेड कॉमन इन टर्म्स बोथ टर्म्स, तो जेड कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ये कॉमन तो 1/5 हो गया, तो 1-4z हो जाएगा, और यहाँ पे 1/5z हो गया। इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, यहाँ पे ये वाला न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये पावर्स हो गया माइनस 1 और एक्सपेंशन ये बाइनोमियल्स के थ्रू। उसके बाद 5z एक्सप्लेनेशन है इसका, बाइनोमियल 1/1 फर्स्ट, फिर 1/4z स्क्वायर 4k माइनस 1 एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो अब सेम कंसेप्ट है, तो अब यही लॉजिक यहाँ पे यूज कर लेना है ये वाला, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/z 1z² तो जेड रेस टू के माइनस 1, ये वाला कंसेप्ट मिल गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि जेड से मल्टीप्लाई भी है ना, तो जेड से जब तो के माइनस 1 वाला हम ले लेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई मिल जाएगा ये, और यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट। तो इन फर्स्ट टर्म सीरीज जो कोफिशेंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के क्या है आपका, जेड रेस टू माइनस के का कोफिशेंट क्या है, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5/4 k-1 ये है, 5/4 ये वाला और ये वाला दोनों, ठीक है, हो गया। तो 5/5 इसे ले सकते हैं 20/4 k, ये हो जाएगा। इसको ओपन कर दीजिए, सेकेंड टर्म्स में क्या है कोफिशेंट ऑफ जेड एस टू माइनस के क्या है देख लीजिए, 4-4 ये है ना, -4 और ये वाला, तो -4 अपॉन दिस इज मतलब 20/2, तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये तो मतलब इस बेसिक मेथड के थ्रू हो गया। अब अगर हम इसको पार्सल फ्रैक्शन से करें, क्योंकि यहाँ पे जेड है ना, हम इसको एफ जेड अपॉन जेड वाला फॉर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एफ जेड अपॉन जेड एस टू, तो एफ जेड अपॉन जेड 1/z 1/4 और 1/5, तो इसको फिर से पार्सल फ्रैक्शन, ठीक। तो a अपॉन जेड माइनस 1/4, b अपॉन जेड माइनस 4, तो अब यहाँ पे a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू -20 आ जाएगा इस वाले कंसेप्ट से अगर हम निकालेंगे तो, ठीक है। तो एफ जेड अपॉन दिस, ठीक है, आगे का और अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो एफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू दिस, तो अब ये हो गया एफ जेड 20z/z-1/4 20z/z-1/5, तो टेकिंग ए जेड इनवर्स ले लिया। तो अब ये देख लीजिए, ये वाला कंसेप्ट ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया था अभी यहाँ पे ये फार्मूला है ना, ये देख लीजिए के जब ग्रेटर देन वाले में है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और लेस देन वाले में होगा तो माइनस लिखेंगे, ये ठीक है, ये दोनों में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ग्रेटर देन है, इसलिए 1/4 k हो जाएगा, और यहाँ पे 20 1/5 k हो जाएगा, और ये 20 1/4 k 1/5 k तो ये हो गया अभी। तो अब एक और प्रॉब्लम्स है, तो इस प्रॉब्लम पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा। एफ जेड है, तो अब मैं चूंकि यहाँ पे जेड अवेलेबल है, तो इसको मैं क्या करूँगा अभी, एफ जेड अपॉन जेड वाले फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3z+2 अपॉन ये z-2 है और ये z-1 है। तो अब इसका हमें पार्सल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, ये ध्यान में रखना है, बिना पार्सल फ्रैक्शन के होगा नहीं। तो पहले इस वाले पोर्शन को हम ले लेंगे 3z+2 अपॉन z-2 z-1, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे a अपॉन z-2 और प्लस b अपॉन z-1, ठीक है। तो पार्सल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 3z+2 ले लीजिए
ए जेड माइनस वन इंटू ए प्लस जेड माइनस टू इंटू बी। तो आपको पारी वारी से रख देना है, जेड इक्वल टू वन रख दीजिए, ए जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थ्री टू फाइव, तो b इक्वल टू मिल गया यहाँ पे माइनस फाइव मिल जाएगा, वन माइनस, और z इक्वल टू टू रख दीजिए, टू माइनस वन हो जाएगा, तो सेवन एट हो जाएगा, a इक्वल टू एट हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया ना, चार दूनी आठ, तीन दूनी छः, दो आठ, आठ हो गया खत्म बात। तो ये पोर्शन कन्वर्ट हो गया, मतलब जो एफ जेड अपॉन जेड है वो कैसा मिल जाएगा, a अपॉन मतलब एट अपॉन जेड माइनस टू, और b कितना है, माइनस फाइव है, तो फाइव अपॉन जेड माइनस वन, ये मिल जाएगा। तो एफ जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, एट तो ऐसे कर देते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस टू, फाइव इधर कर देते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस वन। ठीक है, अब जो रूल्स है ना वो देखना है हमें, यहाँ पे जो वैल्यूज है, एक मिनट, क्वेश्चन में आ गया, ये है, ये वाला देखिए, ये लिखा नहीं मैंने, वन ग्रेटर देन मॉड जेड लेस देन टू। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि मॉड जेड जो है वो ग्रेटर देन वन है, और मॉड जेड जो है वो लेस देन टू है। तो अब लेस देन वाले में क्या लिखना है और ग्रेटर देन वाले में क्या लिखना है, ये देखिए ग्रेटर देन वाले में पॉजिटिव लिखेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जेड जो है ना वो ग्रेटर देन है, मतलब इस वाले में पॉजिटिव आएगा, इस वाले में निगेटिव आ जाएगा, मतलब कि यदि ये फार्मूला है ना जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक, माइनस ए रेस टू के जब इफ, ठीक है, मॉड जेड लेस देन ए है उस केस में। तो अब इस केस में यहाँ पे हम कर लेंगे, तो जेड इनवर्स एफ जेड इज इक्वल टू एट जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस टू, फाइव जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस वन। तो ये हो गया माइ एट, ये हो जाएगा माइनस टू रेस टू के, ठीक, क्योंकि यहाँ पे है ना ये माइनस वाला कंसेप्ट, लेस देन द टू रेस टू के, माइनस फाइव यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन रेस टू के। तो मतलब ये आंसर हो गया माइनस एट, ठीक है, इंटू टू रेस टू के, आप ऐसे रह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस टू रेस टू के माइनस फाइव। ठीक है, सो दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमें करना है। तो टेक केयर, कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे, चलिए। तो ये हो गया आंसर, तो चाहे तो आप उस लॉरेंट सीरीज वाले से भी एक्सटेंशन करके फिर इसको निकाल सकते हैं, बट मैंने इस तरह से कर दिया। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसके, ये क्वेश्चन है, ये दे दिया है। तो पहला वर्क क्या है, क्योंकि पार्सल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है जिसको हम पहले एफ जेड अपॉन जेड वाले कंसेप्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है, आगे इसके वर्क हो सकता है। एफ जेड अपॉन जेड वाला कंसेप्ट ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद आगे का वर्क कर लीजिए। तो एफ जेड अपॉन जेड वाले कंसेप्ट में क्या करना है ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा जेड जेड माइनस वन बाई फोर, और हो जाएगा जेड अपॉन वन बाई फाइव, ठीक। तो ये कंसेप्ट है, तो अब इस कंसेप्ट में क्या करना है ये आप ध्यान में रख लीजिए। अब इसको हमें पार्सल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो अभी तो किया था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये वाला, तो ये हमारा क्या मिला था, फाइव अपॉन जेड माइनस वन बाई फोर, और यहाँ पे फोर अपॉन जेड माइनस वन बाई फाइव, ये है पार्सल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक। तो अब ये हो गया एफ जेड अपॉन जेड, तो अब ये फिर से एफ जेड क्या मिल जाएगा, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस वन बाई फोर, माइनस फोर जेड अपॉन जेड माइनस वन बाई फाइव, ठीक, ये कंसेप्ट मिल गया। अब कह रहा है कि मॉड जेड जो है ना लेस देन वन बाई फाइव है, तो मॉड जेड जो होगा लेस देन वन बाई फोर भी होगा, तो दोनों के लिए लेस देन है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, याद रखिएगा जेड इनवर्स जेड माइनस ए, ठीक, इज इक्वल टू माइनस ए रेस टू के निकालेंगे जब मॉड जेड लेस देन ए है, ये वाला, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो पहले जेड इनवर्स एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फाइव जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस वन बाई फोर, माइनस फोर
z इनवर्स z अपॉन z माइनस 1/5, ये हो गया। तो अब इसको ब्रेक कर देना है सिर्फ, तो 5 हो जाएगा और ये माइनस ए रेस टू के मतलब माइनस 1/4 रेस पावर के, ये मिल गया माइनस 4, यहाँ से फिर से वही काम माइनस 1/5 रेस पावर के, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस मतलब 4 1/5 रेस टू के माइनस 5 1/4 रेस टू के, ठीक है। ये है k लेस देन 0 वाला कंसेप्ट, हो गया, ये हो गया ना, ये हो गया प्रूफ, यही तो करना था आपको, 4 5 और ये वाला कंसेप्ट, ये प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप प्रॉब्लम्स को लेकर के टेक केयर कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखिए। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।